आज तक मैं बख्ता है लिया। हाँ भाई कुछ बातें ही थी। हाँ तो और सुना भाई क्या हाल चाल से? हाँ भाई और तो सब ठीक ठाक। यह चिट्ठी आई से चंदन की, या पूरा कॉलेज में लिखा सा, कॉलेज में ना ड्रामा करा सा कृष्ण सुदामा का, यो मारे वाला चंदन तो बना से कृष्ण और ये तेरे वाला राज बना से सुदामा। भाई लरी चंदन तो सह कृष्ण बन जोगा, बहुत बढ़िया छोरा से मारे यो राज मेरा बेटा दाने में भी महंगा से कर। फिर भाई अपनी अपनी किस्मत हो से। अरे ना सरपंच जी बात ना से, जिस तरह मेरी तेरी बालक पढ़ते नहीं बिगी ना, इन दोनों की भी न्यूनिट जाएगी। और फिर रहा राज, अरे उम्र के साथ साथ आप समझ जाएगा भाई। भाई मेरी तेरी और बात थी, हमने तो कहते गरीबी अमीरी अपने बीच में आवने ना दी। अरे हाँ मैं तो बात तुम भूले गया केपी वाला री तू तो ईसा को डिस है, खान की बात कदे नहीं करेगा। पर तू तो इतना ही कर दे, अग भाभी ताई खबर कर दे, वो आप समझ जाएगी। तेरे भरोसे रहा ना ताज बरती रहना पड़ेगा। भाई भाभी का भरोसा तो भूखा रहेगा, वह तो सारा काम अपनी संन्यास ले रही से। भतीजी? हाँ अरे हाँ हाँ वह छोरी सावित्री। भाई सरपंच यो काम बहुत अच्छा कर के काम में लाग के वह छोरी माँ बाप के दुख ने भी भूल जाएगी और भाई ने उन्हें मेरी भाभी का भी जी लाग गया रहेगा। भाई मरना जीवना तो क्या अपने बस की बात हो से, पर छोरी की जात और एकली रहेगी, न्यू करके थोड़ा ख्याल सा। अरे न्यू जी छोटा ना करा करते भाई, ओए मारनिया
और ओहे जमावनी है। हाँ भाई तू एक सारा दसे सावित्री। ए बेटी सावित्री आई पापा। हाँ पापा क्या कहता था? बेटी और लहरी थोड़ा या रह से अपनी बुआ ने कह के कि मैं की खोर में करवा दे। रह तू चुप भी करे क्यों भांगी मारे बेचारे में। बेटी भाभी सब जाने से जाके कह दे कि तेरा देवर लहरी आ रहा से बस सब समझ जाएगी। ले भी छोरी मत के कमी से जिस दिन ताई से सारा घर संभाल रखे। ए बेटी इस पानी तो क्यों मेरे पेट में खाचा करे से? एक मैं वर्मा माल आऊं दो वर्मा। ओ मारे तो मेरी बुआ लेके आवे से। वाह बैठ बेटी। अरे सरपंच लगे भाभी होते इस। अरे ले आ ले भाभी तेगा जे तो ले आ। तू हमरे पे कुत्ता करे ले आ छक्का खा ले। अरे भाभी बस एक बेली कसले में बेली कैसे तू इसकी मत सुने छक्का खा ले कढ़ाई भरी सा और ले दूंगी। भाई जी की तरह के ने पड़न लागरी से। अरे तू मेरे वाला क्यों डरे से? मैं बावला कुत्ता तो सुन तेरा सूर तोड़ ले जाएगा। बे भाभी किसी ने सच्ची कही कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। ओ भागा अरे इन पैर ले तावड़ा बसी हो जाएगा। राज की कोई चिट्ठी आई सके? राज की तो ना यहाँ चंदन की आई से। बात तो एक कैसे के लिखा है? बे लिखा कैसे है? वे तो कॉलेज में कृष्ण सुदामा का ड्रामा खेलने लाग रहे से। बाकी तू आप तो पढ़ लिए लड़ी चिट्ठी दे दिए भाई। ले भाभी इन दोनों की एक्टिंग खड़े थी भैया तो साच माच के कृष्ण सुदामा से हैं। भाई राज तेरी और कुसुम की तो वीर मर्द की जोड़ी लग गए। नरेश मजाक की भी हद होया करे से। तेरे तो सैन पतंगे लग गए से। अरे ऐसा मजाक तो हकीकत बन जा करा। तेरी जवानी बाजी बेल कवारी।
भगवान करे तारी जोड़ी सदा फले फूले। पर नरेश चंदन कोर्ट में की चला गया। बावली बूच तूने देखा नहीं, चंदन ने कोर्ट में कुसुम ताई भाण के नाम के 5 रुपये दिए थे, फिर वड़क्यो कर आजा, जब आ भी जाते तेरे जी साथ 6 नाड़का देंगे जो जबड़न ताई। मन ने तो ईसा लग गया सर, चंदन राज की शादी से खुश कोने होया। पर चंदन ये ताई आया क्यों ना? ले भी राज याद करते आ गया तेरा साला। नरेश तू घना मत बोलिया करे, सारी बात पगत पाछी लागया करे। आ भाई चंदन सुरेंद्र तू सूर्य दोर बैठ जा, बैठ भाई। क्यों घनी वार ला दी? थोड़ा कमरे में काम हो गया था, जाए तो वार होगी। अच्छा भाई चंदन एक बात है, आज पार्टी तेरे मतलब की से, आज तो साथ देगा ना? भाई तुम करो पार्टी, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो चल लू सु। भाई थोड़ी देर तो बैठ। ईद तो मैं चल लू सु, शादी तुम ना मुबारक हो, हाँ न फिर मिलू। सावित्री, ए बेटी सावित्री। आई पुत्रा। हाँ पुत्रा, ये क्या था? यार आज की चिट्ठी आई से बेटी, उनके इम्तिहान हो रहे से, अपनी बुआ ने कह के उस खातर घी भिजवा दिए, और देखे न्यू करिए तहसीले में कह दे वो लेके चला जाएगा शहर में। अच्छा पुत्रा। हाँ भाई रजीलिया। राम भाई, राम राम। राम राम है। भाई ये पैक मूंग क्या लाडू? अच्छा। अरे यो तराट की। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक होगा पतियो। हाँ नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर। कुर्सी पे। हाँ हाँ हाँ। भाई एक बात बता दूँ। हाँ। सो मोगरे आ रहे की ताई से प्रेम चक्कर में आज दी होली। आज दी होगी। हाँ क्यों क्यों होगी? ना ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री, तेरा फेरा ना पाटता मरे हेक जीव है। क्यों भाई चंदन ठीक है ना? ठीक है ठीक है, कहा नहीं बोलिया करते। अच्छा नहीं बता क्या मैं और भी लिया है के? इतनी तावड़ क्यों करे से? और भी मसाला ले रहा हूँ, तुम एक बार परिणाम कर लो। अरे बावली बूझ तेरा दिमाग ते ठीक से? दिमाग ते 16 ने सही है, तुम एक बार परिणाम कर लो। भाई राज सो मोगरे आए की मानस ने अपना जाबता बांध के चलना सही है। देखे ये तो दिए है मेरे ताऊ ने और ये दिए है मेरी ताई ने, ताऊ से लुकमा मोस कर दिया सी लेते। बोल के नाम जो भाई कमनवा देवा जो ने के सगुन किया और के वाह ओखा गलावण की लिपस्टिक के। अरे वाए वाए भाई वाए। अरे कोपरे किस तई ले जा है? इतना जवानी होता जवा दे किसे ना मंगवाई थी। ठीक सर वह तो मैं ले आऊंगा और तू इब न्यो करे अरे तेरे जेल हो जाए। हाँ भाई रेल में जाऊंगा, तू एक काम करिए घरा चक्कर जरूर मारिए। अच्छा एक दू चाल बा जगह है। अच्छा और माँ ने कह रही है मेरा फिक्र नहीं करेगी। हाँ भाई सांझ ताए मन ने भी काम में जरूर पहुंचना से, मैं साथ हो रही है मेरे बिना डोके नहीं देगी। चल तेरे मैं छोड़ जाऊ। चल भाई भाई राज ये जनाने लीटर तेरे कमरे में क्यों कर? ये तो मेरा एक दोस्त है ना। हाँ। वो फैक्ट्री ला रहा है नमूने के तौर पर गेर करता है नमूना। हाँ। ऐसा ले मैं ले जाऊंगा इनमें मेरे काम आ जाएंगे। दे दिया भाई। कुसुम बहुत बहुत बधाई हो। बधाई किस बात की बधाई? मेरी जान तेरे पास होने की। पर तेरे फेल होने तो मेरी खुशी तो आधी रहेगी। ये बस अपने प्यार का दाय रिजल्ट आउट होया है, बाकी का दा अगले साल तक हो जाएगा। ना ना वो तो जिब्बा होगा ना, जब तू बहू बना के मैंने अपने घर ले जाएगा। बावली
आजकल की छोरी ससुराल तो पाना छुटाना चाहो है और तू ससुराल के पाछे पड़ रही है। वे छोरी और होंगी साची राज अपने सास ससुर दौरा जान के मेरे गणाई जी कर रहे से और फिर शहर की जिंदगी तो गांव की जिंदगी लाख दर्जे अच्छी से। मने गांव तो सच नफरत से अनपढ़ गवार लोग और गंदगी के शौक से के। राज तू कह रहे से ये बात भूल गया तू उसे गांव की माटी में पैदा होया से। तेरी रगा में उस किसान का खून से जो सारे दिन खेता में हल चलावे से। गांव में सादगी ईमानदारी और भोलापन से और शहर में सब कुछ खोखला और बनावट से भरपूर। कुसुम तो ना सारा मूड खराब कर दिया। तेरे और चंदन के पास होने की खुशी में मैं आज पार्टी दे रहा हूँ साजने। राज मैंने तेरा रोज का पीना पियाना कति पसंद नहीं। आए रे तेरा गुस्सा जे तू स्वभाव ना मैंने बहुत अच्छी लगे। हाँ यह हुई ना बात है चलिए चला चला। राज और निपणी ले यो आ गया कटी बिगाड़। राज तो इसने बकस दे। राज तेरा नया नया ब्याह हुआ है तने शर्म नहीं होती? अरे अपना नहीं तो इस प्राइज जाए का ख्याल कर जो सारी सारी रात तेरी बाट देखती रहे से। ला सुनो इस कटी बिगाड़ की बात। रवा इसकी लुगाई से या तेरी लुगाई से? अरे चुप कर अरे मुहत खोल। राज खड़ा हे कहीं वो पत्थर मैं साले तेरा बिरदंग खा दूंगा। इन दोनों ने एक दूसरे का जानी दुश्मन ना बना दूं ना। मेरा नाम भी नरेश नहीं सा। वो क्यों कर भाई? दोस्त सक एक ऐसी चीज हो सा जो बीतने भी पार दिया करे सा। और ये तो दो दिल से चंदन आवे राज पर बैठूंगा बाद में पर इन्नो बता जो के है। राज तू किसकी बात में आ रहा है? तू एक भाई बहन के रिश्ते में शक कर रहा है? अच्छा ना मिली तो बाण होगी। आपको बार क्यों हो गया? दबारा तो मैं भी तोड़ चुका हूं सुतरा पर तेरे जिसे नीच आदमी का मुंह नहीं लग रहा था। राज हो सका तो इस शक ने इन फोटो के साथ ही खत्म कर दियो और मेरे जायता है यह शक दूर हो सा तो मैं जाऊं। पर एक बात का ख्याल रखिए यह बात कुसुम ताई नहीं पहुंचनी चाहिए। धोखे बात तेरे खातन मेरे दिल से नफरत कब तक नहीं जागी। सच्चा दोस्त कदे धोखे बाज नहीं होता। राज बाबू बाबू नमस्ते। अबे जीवता रहे मेरे लाल कंदन है। आ बैठ बैठ। परसों से तेरी चिट्ठी आई थी भाई उसमें तो आम की बाबत कुछ ना लिखा था। ये भी चाणचक क्यों कर? बाबू तू भी खूब से अपने घर आमना था इसमें भी क्या लिखना। एक बात पे बता चल यूं राज फेल क्यों कर हो गया भाई? पढ़ने में तो जो भी होशियार था। हाँ बाबू पढ़ने में तो होशियार था पर बेटे मन ने तो सुन के इतना दुख होया कि भाई मैं तो यात्री चिट्ठी भी लेके नहीं गया दुकान। बाबू बतावना तो पड़ेगा भाई मेरी तो हिम्मत को ना पड़ी भाई तू आ जा से इब तू है जाके बताई। मेरी ताई का क्या हाल था बाबू? तेरी ताई का अरे वो तो मौज कर रही से बैठे और वह छोरी सावित्री भाई वाह देवी का रूप से देवी सावित्री। अच्छा अच्छा समझ गया वह चिट्ठी लिखने वाली चिट्ठी। हाँ बाबू ताई राज ने चिट्ठी उससे द्वारा लिखवाया करे थी। अरे आने भी तेरी चिट्ठी वो पढ़ के सुनाया करे थी। अच्छा बेटे एक काम कर के तू उठ के ना अपने लत्ते वत्ते बदल ले फिर चलाएंगे जुका। अच्छा मोरा गमाउते गमाउते पूरे 27 वर्ष बीत गए ना तो दे बनी और ना कब जी जितना मोरा घुमाया
उपमा सूखता जा हूं। ले एक बार उल्टा होकर भी देख लूं, देख मैं बात बन जाते। रसीले तेरे धरती में पानी टिकते नांदी का निकल खड़ा। तेरा ना करके तेरा किस्ता है कि सत्यानाश है, तूने तो मेरी देही ना बन देती। फिर तू करण के लग रहा था, तेरी माथे मार की फूट रही है, टिकता नहीं कसर कर ला रहा है। अरे तू जा किसे, मानस तो यो खड़ा है। तो अरे मानस किन्हें बेका दिया, जा जाके जोर में मुंह धोया। अरे तो पारो पारो दौड़ते तेरी आंख से मैं तो इन मैं गोते मार लूंगा। गड़ी बकवाद करने लग गया, ताऊ ते कहनी पड़ेगी। ताऊ ते कहनी पड़ेगी, ताऊ ते तेरे भाई से एक और बात करने वाला है। की बात क्या वाला सर? कौन है बताऊं? बता दे। रसीले हाँ पारो बता दे। पारो तेरा भाई है ना वो सुलफ की, उसने सरपंच नौकरी तक कट वाला है। अच्छा हाँ फिर हम क्या करांगे? इब के करांगे करांगे नहीं पारो, मन्ने भी कह दिया है जब पारो नहीं तो रसीला भी नहीं। अच्छा तने क्या दिया नहीं हूँ? तो मोगरे आले की पारो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और देखे मोगरे आले का कड़ा भगत हूँ, मैं इसकी झूठी सो कदे नहीं खांगा। हाय मेरे रसीले, हाय मेरी पूंजड़ी, तुमरा घर छोड़वा के मानेंगी? अरे मका सरपंच से के करा जो बेवकत कोणा मरिया खीर में मुसल संद काका। राम राम रे राम राम रे राम के भगत रसीले, सरपंच की जा रहा है भाई? सरपंच तो रिश्तेदार के सगाई में जा रहा है। अरे ले भाई हद होगी, अरे मन्ने भी उड़े जाना चाहिए तो मैं भूल गया। चंदन चल बैठे तवले से जाओ, काका बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं खान क्यों लूंगा जग्गा यार, आज तो थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, आज तो भीतर औरता की फौज बैठी से। अल्लाह ने राम 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 आजा आजा ले आजा भाई राम राम रे सुन ले तू कटेगा बेटे आजा बैठ जा। सुनन राज का क्या हाल से भाई? वो नहीं आया तेरे ना? राज नहीं आया था, उसने शहर में इधर थोड़ा काम था, जाए थे और रुक गया। अच्छा ताऊ मेरी ताई किस है? भीतर बैठी से मेरे जा मिल ले। अच्छा ताऊ Thank you.
भाई राम राम। राम राम बेटा जीन पार। तू चंदन बेटे आ गया, ईव तो मेरा राज भी तावड़ा ही आ जाएगा, वो उड़े तेरे बिना एकला क्या करेगा। ताई राज ने थोड़ा काम हो गया था, हो सके से थोड़े दिन और लाग जा। ईव के जब डैमे में उसका सरता सा बांध देना से। सॉरी देख रहे किसे, हम ते बात पक्की कर दूंगा। क्यों मिला रही? हाँ भाई ठीक से। लिया बेटी लिया लिया फरमाओ अमर करता हूँ बेहत है। हाँ बेटी अरे दर दे छोरा तो शर्माओ से ईव धरेगे से ठीक आदमी दौड़े लड्डू लड्डू के तो प्लेट भी पा लेते। तू ब्याह के बारे में क्या कह रहा था? तू ब्याह तो उसने कर लिया। छोरी मेरी देखी ओर से बहुत सुथरी से। छोरी चाहे सुनने की हो तो श्रीफा के न्यू बैग आखिर से क्या इसे कपूतर तो पैदा होते हैं गाड़ दे। अरे चंदन तन्ने भी चाला कर दिया और ओड बात और कदी चिट्ठी में भी ना लिखी तने। और क्या बताऊं मैं भी मजबूर था। वो क्या हो गया सावित्री पानी ला बेटे भाज के जा। सावित्री याद दे कितना बढ़िया कपास का डोडा से पारो तू भी ना हर भगत बोल ले जा से तावड़ी तावड़ी चलावे ना घर भी जाना से तने बेरा नहीं बुआ की हालत खराब से। हाँ हाँ मैंने सब बेरा से। सावित्री उल्लारी का छोरा से ना चंदन जो सर मत पड़ क्या ऐसा किसा एक सा मन्ने के बेरा मन्ने के अच्छी तरिया देख रहा कैसे नाराज क्यों हो सा मैं तो नुए बुझू थी तू चुप रह गया कि नहीं। ए सावित्री वो देख चंदन आवन लग रहा सा ईव तू अच्छी ढाल देख लिए और मैं तो चल ली। ए तू की चल ली मैं इतने पानी पी के आऊं सु पारो ए ए पारो पारो सावित्री आज तो एकली बड़ी चुगन आ रही से। ना पारो भी से पानी पीन गई से। ताई का क्या हाल से? ठीक के से पर आज भाई के ब्याह के सुना पाछे कुमसुम सी रह से। हाँ सावित्री मैं जानू तो था पर बताना तो था। खैर ईब तू न्यू बता राज की कोई चिट्ठी पत्री आई सके ना तू न्यू कर राज धोरे एक चिट्ठी लिख दे कि ताई की हालत खराब से। ठीक से लिख दूंगी। अच्छा शाम ना हुआ ताई तो फिटन। अच्छा साला झूठा बेईमान मक्कार आरामजादे ने गांव में जाके मेरे बाबू के भी कान भर दिए। अरे ऐसा क्या लिख दिया फिर? लिखना क्या था साले ने मेरे बह की बाबत खूब नून मर चला गए और बाबू के कान भरे से। मन्ने तो पहले समझाया था राज तेरे से अब चंदन जिस थाली में खाओगे ना उसी में थुकेगा जब तो तने मेरी बात माननी नहीं। वो तो ठीक से नरेश पर जब उस सांप के दांत तोड़े नहीं गए ना तो वो डसन से भी नहीं डरेगा। पर तू राज डरे मत ना। पर एक बात बता तू खरे गांव में कोई आदमी है जो मेरा काम कर सके? किस आदमी चाहिए इतने जो पीछे लेकर कुछ भी कर दे इस आदमी सह भाई बिरजू और वो आदमी ईसा है पीछे खातिर कुछ नहीं कर सके है। सुन सारी बाबू कटाली ना आंगली जो नाई बचता था तो क्यों करता था लग गए से गांव के वारास नहीं आई गांव की माटी में खेल कूद के बड़े हुए सा कोई चार दिन शहर में रहने से शहर ही थोड़ी हो जैसे एकला ही लग रहा था कि हाँ बाबू परले खेत में हल जोत रहा था। क्यों ये बात थी? कुछ ना ये बुझी थी तू रोटी खा ले मैं काटती थी। देखे जरा ध्यान से काटिए ये दराती कट खानी से। तू मेरी फिक्र मन ना करे अपनी रोटी खा।
गांव की छोरी कटवा ली ना अंगली, जे ना है बस की थी तो क्यों काटे थी? कहले कहले लग गया ना मौका कहन का। मैं तो पहले ना कहूं था यार दाती कटखानी से। बाबू रोटी खा ले। हाँ बेटे रोटी भी खाएंगे। ये ले अरवास, बाकी पीछे काम उनके पक्ष है। तेल देखियो और तेल की धार, पर एक बात का ख्याल रखियो, आगे पैसा में कमी नहीं आनी चाहिए। तू इस बात की फिक्र मत करे, जो जबान हमने कर दी ना उस पर कायम रहेंगे, पर एक बात का ध्यान रखिए, इस सारे मामले में मेरा नाम कितना नहीं आना चाहिए। अरे तू चिंता ना कर, उस सारे चंदन की जड़ खोजूंगा। पारो, ए पारो, मेरी बात तो सुन। हाँ बेबे बोल, के बात से? तू न्यू कर, इस भरोटे ने तो घेर दे और मेरा एक काम कर दे। बोल के काम से? उरे नहीं सुन। अच्छा ला दे। Hey,
फिर क्यों आया? फिर क्यों होना था? वह छोरी आई और मुझे पकड़ के ले गई। सावित्री एक बात तो है, तू नाचे तो बहुत सुथरा सा, सीखता सी क्या? इसमें सीखन की क्या बात है, ढूंगे तो मारने होते हैं। मैं तो खड़ा के खड़ा रह गया था, सबकी मैं भूल गया था। अच्छा अच्छा चाली मैं चला। चाल तेरी बॉय पार्ट देख रही होगी। बात यह है जगजी के मैं बेटी सावित्री ने अपने घर की बहू बनाना चाहूँ। हाँ जगजी, बात यह से लरी सावित्री पे मेरे तो पहले तो उसकी बुआ का अक्स है, और इसका फैसला तो वह एक रहेगी। आज जी से बात होगी, मेरी भी बहुत होगी। आजा बैठ जा, आज वो एक दिन आ गया जिसकी बहुत दिन तुम्हारे तो देखा करती तू। लरी साथ से क्यों सुन गया, ये बोलते क्यों ना? भाई जगजीत मन ने क्यों बोलना से, तू है बता दे। बात यह सराज की माँ, यो चंदन ताही सावित्री का हाथ मांगना से, तू बोल के कैसे? देख चंदन सो रहा था लाखा में एक से, अगर तुम सियाने सो तो भाई जगजीत फिर मैं हाँ समझू। भाई लेरी जब छोरी की बुआ ने हाँ कर दी तो फूफा बीच में तीसरे तेली कौन, मेरी और तो हाँ यहाँ से, पर यार और तो की मर्चन ना पड़ जाएगी। अरे और के अड़चन पड़नी से, पर बात यह है कि बुआ और भतीजी तो गांव में ब्याह ये जा सके से। अरे ये ब्याह की बात है, मैं सावित्री ने लेकर अपने पीहर चाली जा सू, और देख ब्याह तो उड़े तो होगा। भाई बताई हो लेरी मंगाने लड्डू? भाभी तेरे इसे सामने में जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। चंदन चंदन सावित्री तू इस वक्त कटु था कि चार चक्कर ला लिया मन्ने। बात कैसे है? आज तेरा बाबू हमारे घर आया था। यो के नई बात है, वो तो रोज जजास है। आज नई ये बात थी। ये नई बात थी तेरी और मेरी, मेरी और तेरी, ये भी नहीं समझा? सावित्री ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, ब्याह का मामला सा है, जरा ठंडे दिल से सोच। मैंने तो बहुत दिन पहले सोच लिया था, तू अपनी बता। मेरा कैसे है, तेरी खुशी की खातर मैं तो अपने आप ने भी कुर्बान कर दूंगा। अच्छा अच्छा अपने आप ने कुर्बान तो पाछे करिए, तान जोन लाग रही सा, चल घर चल लेंगे। आ भाई नरेश। आए भाई आए। ओ चाय पियोगा? बस भाई चाय तो पी के आया मैं। के खबर ले आया? खबर भाई दोनों डाल के लाया सू, खबर अच्छी भी लाया सू और बुरी भी लाया सू। अच्छी खबर यह सर भाई बिरजू ने गांव में जाएगा अपना काम शुरू कर दिया सर। अच्छा और बुरी खबर कौन सी? चंदन तेरा जिज्जा बनने की कोशिश कर रहा है, तू उसका सारा अरो तेरा जिज्जा। नरेश राज पूरा दूध की तरिया मत ना उफड़ा, उसका ऐसा हाल करवाऊंगा अब सारे गांव वाले इसके मुंह पर थूकेंगे, और सारे गांव में कितने मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा। देख नरेश मेरा सारा दीप तू है, तू जो ठीक समझा करे, बाबू तो मेरी सुनता नहीं। बाबू मैं तो खेत में जा सू। अच्छा बेटे एक बात कैसे बेटे, तेरे आउन से इन बूढ़े आड्डा का मां बस नो समझ ले, नए सिरे तो जान आ गई, और ना तो आजकल के तो पढ़े लिखे छोरे शहर में बड़े पछ है, बावड़ का नहीं देखते काम करनी मेरे वक्त। बाबू मैं के शहर में बसन थोड़े गया था। अरे बेटे जे ये गांव वाले शहर में जाकर बस गए तो फिर शहर वाला का पेट कितना भरेगा? हाँ बाबू गांव में मौज होगी तो शहर में आपे मौज हो जाएगी। अच्छा तू आराम कर मैं खेत में चल सू। अरे संजू कित भागे जान लग रहा है, क्या बात होगी? अरे बेरा नीस है वो बलबीर था ना, वो बलबीर अंधी राम गली का छोरा। अच्छा वो मोटर के नीचे आकर मर गया। अच्छा उसका तो ब्याह भी ब्याह था। हाँ भाई मैं चालू सू उसकी माने जाके बेरा दे सू। डट जा भाई मैं भी चालू सू। आ तो भाई तावड़ा करके बैठ। Thank you.
चंदन फेट आ गए बसंती ते। हाँ फेट गया, क्यों ये बात से हरे के तकलीफ से छो मैं क्यों आवा से चंदन, हम भी तो तेरे यार सा एक साथ खेला खाया करे थे। फिर जो अपने औकात में आकर, नहीं तो किसे जन मेरे तरह छिट जाएगा, समझा। सासरा यार आखर के पड़ गया, हम जादे का दिमाग हाथ में आसमान में चढ़ रहा से। फिर जो इस साले की अकड़ी बग गई नहीं से। हो जागी भोले पावड़ी हो जागी, एक ताजा बिरजो की अगली चाल, चलो चलो। राम राम तो राम राम। आ भाई बोला चंदन ने खेती करना सिखावा सकेता हूँ। अरे इसमें भी कैसे सिखाऊना से, झूम की छोरी जो रोएगी ना तो सुर के मार रोएगी। किसान का छोरा से आज दादा माँ के पेट में सीख जा से। की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा ताऊ, इसने तो शहरी बाबू बन जान देता, जिन हाथा में कलम होनी चाहिए थी उनमें कस्सी पकड़ा दी। रे बोले जो गांव के छोरे भी शहर में जाके बसन लागेंगे तो आड़े खेती बाड़ी ने कौन संभालेगा। वाह भाई चंदन वाह, ये बात कही से कमाल कर दिया, पर एक बात का ख्याल रखिए हाथा में अटन पड़ जाएंगे। देखे बाबू जिस दिन तुम आड़ा आया सू इन साला की छाती पर सांप लौटन लाग रहे से। अरे इसे माछरा की परवाह ना करते बेटा, यूं कागा के कोई से नांगर नहीं मरिया करते, तू अपना काम कर। और हाँ देखे मैं लंबरदार धोरे बीज का बेरा ले आऊं, पर एक से बात से देखो चोरी आओगी सावित्री, रोटी लेकर तू खा लिए मेरी बाट मत देखे। सावित्री तू आड़ा क्या कर रही से, मैं तेने सारे गांव में ढूंढ आई और तू आड़े लुक क्या बैठा सर। मैं क्यों लुकूंगा, यो देख मेरी बुआ ने मेरे खातर नई छन पछेली और तांबे के गुट्ठी बनवाई सर। अच्छा ला दिखाइए। क्यों नहीं दिखाती, दिखा वैसे के नहीं कोना दिखाती, कोना दिखाती नहीं दिखाती, ठहर जा। Oh
यो करिए, छोर में तेल छिड़क को सीधा गांव में चला जाइए और आग की झड़ दिखते गांव में रोड़ा कर दिए। अच्छा भाई मैं चालू सु करते काम ने और आग नाग पे जीते पाछा जिए। बिगड़ ली इसे बुढ़े को करूं तो खेड़ा बस से उस दिन तो आज तक नहीं गए थे और बिके नहीं गए ना तो गांव उजड़ जाएगा। कथा ही ठीक कह रहे सरपंच। हाँ भाई मोती डर मत, वेद रोगों का बता तेरी किसे तो पुरानी दुश्मनी हो तुम्हें किसे पर शक हो। सरपंच शर्म सी आवे से एक बात ताऊ लहरी गेला मेरी पानी पर खटपट हो गई थी इसने धमकी भी दी थी बाकी मेरा गांव में किसी का पैर नहीं। तो तेरा लहरी पे शक है? हाँ तो न्यू समझ लो के लहरी ना तो उसका छोरा। भाई शक से बिना बर्बाद नहीं बनेगी। कहते किसी ने देखा हो तो वो मौके का गांव। सरपंच अच्छी बात कहे बिना रुके नहीं जानता। काल चंदन मोती के गितवाड़ा का निधे राजा आया था हम बोले भी पर वो बोले नहीं। अरे बिरजू राम ते डर राम ते चंदन ते काल शांत पच्चे घर ते नहीं लिखड़ा से क्यों दिन में दौड़ी सरकावे से। सुन रहे नहीं सबकी बात सुनकर फैसला होया करे देखो मौके का गवाही सेकना आका कस है अत्तर ने देखा था क्यों रे अत्तर ये बोलता क्यों ना। हाँ हाँ मैं क्या किससे तो डरू सु चंदन आग लाता देखा था। अरे झापर के अरे तेरा बीज मिटियो अरे तने शर्म नहीं आई कीड़ी पे कटक तोलती आना हैरा नहीं आप तो बाद में तो। हाँ सरपंच हम जानो सा पाव ले रही तेरा लंगोटिया यार से और हमने तेरी बात पे यकीन से पंचायत कर ले। अरे पंचायत के भाई ये गांव बैठा से ये है पंचायत से बोलो ले रही। अरे भाई हम तो बाप बेटा बोलने जो गिना छोटे पर सरपंच जो भी तू कर देगा ना वो मैंने मंजूर से। तू बोल रहा चंदन तू बोल रखा से ईसा बुंडा काम के मैं कर सकूं सू। बेटा सवाल मेरे जानन ना जान का नहीं से सवाल से गवाही का और इंसाफ का जो अंधा हो तो ताऊ ठीक से जो आप करोगे वो मने मंजूर होगा। मोती तेरा कितना नुकसान है से भाई। सरपंच 20 गाड़ियां का छोर था कम ते कम 5000 माटी में मिल गए। भाई गाम राम मोती के छोर में आग लगी और गवाह की तस्दीक से साबित हो गया कि भी आग लहरी के छोरे चंदन में लाई और ये दोनों बाप बेटा पंचायत की सामने सफाई नहीं दे सके। तभी मेरा फैसला यो से कि मोती का हर जाना लहरी एक हफ्ते में भर दे।
मुबारक है सरपंच, खूब फैसला करा तन्ने भी, पर साचे का भी राम हो चे, रख दे ते दूध का दूध और पानी का पानी न्याला चटेगा। अरे छोरे चल। अरे बेटी तू आड़े भी आता है, डर के बैठा से ना तेरा घर में जी लागता ना तेरा खेत में जी लागता, आखिर बात कैसे बैठे और के करा बाबू। अरे लोगों ने बुआई जुताई का काम शुरू कर दिया से हैं? एक बार फसल माड़ी रही तो क्या होया, ईब के ने बाबू बेटा मिलकर कड़ी मेहनत कराए। क्या खतर मेहनत करे बाबू, ये पसीने की बूंद जैन बाले में चमकन लाग रही से, सरपंच के एक इशारे पे जुर्माने में देने खातर। बेटे पांचली बातें ने भूल के और जी ला के काम कर। बाबू जो यो इनाम मिलना से ना तो मैं कितने शहर में जाके छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। अरे तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है बेटे, देखे किसान का बेटा होकर अरे शहर में जाके गुलामी करेगा तू? मैं तो जासू खाद का इंतजाम कर और तू खड़ा होगा हर जोड़, मैं यो आया। भलाई का तो जमाना है कोन्या, बेचारे चंदन का घर भी बसते बसते उजड़ गया, पर मोगरे आले मारी सारस कैसी जोड़ी का तो ख्याल रखिए। रसीले ओ के ख्याल रखेगा, उसके बस का किम में कोन्या। जे मोगरे आले ते के मैं कही ना ते याद रखिए। के याद रखूं? इसका छो बहुत कसूता होस है, यो बढ़ते काम ने बिगाड़ भी दिया करे। काम तो बिगड़े लिया रसीले। चुप करे रसीले, वो मेरा भाई से है ना। तेरा भाई क्या हुआ उस लड़दू के? उसने क्या हुआ था? उसने तो रोवे मत ना पारो, नमरा कालजा लकड़ के डे पड़ेगा। किसी के बात हुई, क्या कर दिया तेरे भाई ने? रसीले मत ना पूछा कहते हुए कालजा मुँह ने आवे सा। रोई क्यों मेरी पारो, अब बात तो बता क्या हुई? बात तो बता क्या हुई, क्या बात हुई बता दे। रसीले दिल पे पत्थर रख के सुन, तेरी पराई उराणी से उराई उराई रावल लुट गया रे, अरे मोगरे वाले बल लुट गया, मेरे भाई ने मेरी सगाई कर दी। किसते? मन्ने के बेरा तेरे छोरा मन्ने देखा आ रहा सा कि मैं कर रसीले। पारो पूरे ने मुँह करे ताल करे, मोगरे आले आज मेरी लाश तेरे हाथ में से। जब उस पंडरे की इबरी नहीं फोड़ी ना तो मेरा नाम भी रसिल्ला नहीं। एक मिनट डटी जरा जूता पहन ले। अरे एक जूते ने कौन ले गया? चलो रोक कटिया, सब के खटके था। एक तो से एक का के सिर में मारू। हाँ चल छोड़ इसने, चल पहले तना घर छोड़ियो। अरे मेरी दिल की क्यारी, मेरे तभी किसा शर्माना, अरे मैं तो तेरा होने वाला बर्तार सू, एक बार अपना थोबड़ा दिखा दे। मैं तेरे खातर 40 कोस तक पैदल चला रहा सू, एक बार तो मुंह दिखा दे मेरी बन्नो। अरे नहीं कितना मसाल के बतवाएंगे।
बात कही से तो चाल फिर तू चाल पे नहीं मैं तब जाऊंगी अच्छा तावरे आइए मोगरे आले की इस बंदड़े की रंग नहीं फोड़ी ना तो मेरा नाम भी रसीला नहीं तेरी हिडली वर्गी चाल तेरी पतली कमर मेरी चाची के ला क्या और एक बार अपना क्या मुझ दिखा दे आइए तू कौन सा तेरा फुफा रसाल सिंह तेरा कार बोले तेरे बाप रे बोल तने पर तो ये ना मिलने के मेरी साथ पूछता था इन्होंने किया तो बोल पारो मेरी बुआ पारो मेरी बुआ पारो मेरी ताई पारो मेरी ताई ठीक सब फिर तो नहीं आएगा ना ना हाथ जोड़ू तो खड़ा खड़ा अरे पारो तो भाई मारी सच्ची आशिक होगी और थारे में तो कोई पारो का आशिक पाकता हो ना तो बता दियो मर मोगरी पाक से खिला दूंगा रही बड़ी मैं सहारनपुर का आम गाड़ी में मेरे गैल बैठ ले रे पैया हो जाता तू रो सकी रही बड़ी मैं सहारनपुर का आम गाड़ी में मेरे गैल बैठ ले पैया हो जाता मेरे वाड़ी की बर्फी तू पीड़ा मकरा का दोनों मिलके प्यार करांगे
गाड़ी में मेरे गैल बैठ ले रे पैया हो जदाम गाड़ी में मेरे गैल बैठ ले पैया हो जदाम बात यह है सरपंच आज ऐसा काम हो गया जो इस गांव में होना नहीं चाहिए था। अरे क्यों है भी होगा अंधीराम कली की जवान विधवा पर उन्हें कोई ठाके ले गया। ठा ले गया के बकरी सो जो तो आप उड़े चाल गए पूछ लो कौन ठा ले गया। जो तो बहुत बुरा होया सरपंच रही से मोटा चला महावीर चाल चाल के देखा सी ये के कुकुम हो गया। सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब मैं लुट गई बर्बाद हो गई। रामकली शांति तो बता यू किस्सा क्या होया। सरपंच साहब मेरा काल जा लिखड़े जाते बात बता जोगी छोड़े कोना। लेकिन बात भी हुई होगी सरपंच साहब कोई नीच रात में मेरी बहू वसंती ने ढाले गया। ढाले गया पर कौन सरपंच साहब मैंने तो बहुत हाथ पमारे पर पार न बसाए मेरे तो उस हरामजादे का यो जूता हाथ ला गया। सरपंच साहब इस जूते ने कब्जे में कर लो कदे कोई गुम ना कर दे। यो चंदन का जूता किसे का भी हो पंचायत बुलाओ और उसने सजा दो। ठीक से पंचायत होगी। अच्छा काका मैं तो चालू सुन। अच्छा भाई मका सरपंच राम राम। अजय बैनरी बैठ बोल के काम से ये मन ने भी आड़ा आके ने काम बताना पड़ेगा तो न अच्छी तरह बेरा से सरपंच के चंदन पलाए झूठे अल्जाम की खातिर पंचायत बैठेगी। पहले री बात सुन ले जब तक पंचायत का फैसला नहीं हो लेता तो आड़े नहीं होगा। तो जगजीत इसका मतलब है कि अपनी दोस्ती खत्म
भाई दोस्ती दोस्ती की जगह तू दो सरपंच दो रहा है। हाँ हाँ सरपंच दो रहा है तू, और पूरी पंचायत का फैसला होने से पहले मैं तेरी अंतरात्मा से पूछना चाहूँ तू सरपंच के मेरा चंदनी सा काम कर सके से। लेरी मैं चंदन में तत्त घना चाहूँ सुना, और मैं यह भी जानू सू कि दूध का धोर से। बस बस मैं तेरे से यह पूछना चाहूँ था। पर लेरी फैसला तेरे दोस्त जगजीत ने नहीं, पंचायत ने और सरपंच ने करना है। और भाई सरपंच किसी का दोस्त नहीं होता, काम साज आदमी हो से। तू पंचायत आके साबित कर दिया कि तेरा छोरा निर्दोष है। अच्छा तो भाई तू कर ले पंचायत, मैं तो अपने छोरे ने लेकर गांव में छोड़ जा। इसका कदे मत करिए लारी, ना जुर्म अपना साबित हो जाएगा। जगजीत जब तू मेरी जगह होता जब बेरा पाटता कि निर्दोष बेटे पर लाया इल्जाम, एक बाप क्यों कर बर्दाश्त कर सके। तेरे दिल की तड़पते में जानू सु लहरी, पर पंचायत के फैसले अटल होया करे से। तो ठीक से तू कर अपना फैसला और दे दिया उसने पार्टी। राज बिरजू ने चंदन का ऐसा हाल कर दिया सर, अब तो सारे गांव में मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा। राज बिरजू भी कमाल का आदमी सा, उसने बेरा सा चंदन का जूता और चंदन के सिर पर दे मारा। साला एक बार तो बिरजू भी डर गया था, लूकन लग गया। ईसा काम मारे गांव में आज तक कदे नहीं हुआ। फिर फेर के जब उसने लीले लीले नोट दिखाए ना, और साला सब करने तैयार हो गया। ये चंदन का जूता गांव की पंचायत में पेश होगा और चंदन का सिर होगा। नरेश एक बात का ध्यान रखिए, सारे मामले में मेरा नाम कितने आना चाहिए। अरे तू बेफिक्र रह, गांव वाले चंदन का ऐसा हाल कर देंगे तो अपने आप पे गांव छोड़कर निकल जाएगा। गांव की जनता जनार्दन, रामकली आंधी के छोरे की विधवा बहू गांव में ठाई गई। मैं जिस खेड़े में इसे भूंडे कर्म हो लाग जा, उस खेड़े के उजड़ में घड़े तो नहीं लग करे से। आज गांव की पंचायत गांव के सब नर नारिया थे मुलजिम ने पकड़ के सजा देने के मामले में सहयोग की प्रार्थना करे से। सरपंच हम तो थारे साथ सा, पर फैसला मुंह देख मान नहीं होना चाहिए। हाँ भाई बिरजू कोशिश तो यह होगी। अरे पंचो एक आंधी अपाहज लुगाई का और एक गांव के स्वामी सब कुछ लुट गया। ताकी यो दुख तेरा एकली का नहीं से, बहु बेटी की इज्जत सारे गांव के साथ जगी हो से। और तू यकीन रख आज भी सारा गांव तेरे साथ से। ए, मेरी बहू गैला कुछ ऊंच नीच हो गई, ये पंचो मैं अपने ऊपर तेल घेर के गांव के चौराहे पे चल जाएंगे। बाकी सबर कर तू बैठ जा, तेरी गैल इंसाफ होगा। अब आप बहु करो पर रखीजे। सरपंच साहब जिस जूते ने तुम सबूत मान गए मैंने फांसी देना चाहो सो, वो जूता तो कई दिन पहले किसी ने खेत में से उठा लिया था। बहुत अच्छे सहरी बाबू बहुत अच्छे। खामोश वो फालतू बात नहीं। हाँ भाई चंदन जूता को मान का दोनों का सबूत तो गवाह चाहिए। तो कहने कहने से बात नहीं बनती,
उस दिन खेत में मेरे साथ रहे? तू चुप क्यों हो गया? बोलता क्यों ना, कौन था उस दिन तेरे साथ खेत में? पर बाबरू अरे चंदन, अरे गांव की स्वामी मारी इज्जत का ढेला होने लाग रहा थे, और तू शर्म का देवता बना बैठा से। बेटे ना तो यो मौका जजगण का से और ना शर्माउन का, साफ बता उस दिन ती गैल खेत में कौन था? मेरे ख्याल उस दिन सावित्री थी और उसने इस बात का बेरा से। सहमदादरी बारा करते क्या गांव की पंचायत से टोलनी? माफी चाहूं तू सरपंच, पर चंदन ने गवाह खूब ढूंढी। सावित्री तो वो एक हैगी ना जो चंदन चाहेगा, पर इसका कारण सारा गांव अच्छी ढाल जाने से। रे बिरजू औकात आगे मत बढ़े, बेवक्त का राग अच्छा नहीं होता। ओ जबर के सावित्री ना बना गए सावित्री, कुछ दिन पहले खेत में चंदन का जूता खो गया था। सावित्री मुंह तो बोल, जवाब दे। हाँ खो गया था। सरपंच सावित्री तेनू पूछ कि चंदन के लिए अकेली खेत में के करण गई थी? सरपंच साहब बेइज्जती की बात है, मैं सावित्री ने बीच में नहीं लाना चाहता। या तो मेरा गवाह मैं सुन या मेरा राम से। हाँ भाई सरपंच, या तो भी जाने मैं भी जानू, मुलजिम घरे पत्थर राम का सारा लिया करे। ठीक सा भाई, न नोमर तेल हो न राधन अच्छे, न राम गवाही देना वे न फैसला हो। अरे पंचो, जब तुमने पहले में हमारे फांसी लाउन का फैसला कर रखा से, तो फिर इस पंचायत का डोंग क्यों रच रखा से? तुम न्यू करो अग मारे दोनों बाबू बेटा को ऊपर दही छिड़कवा के और कुत्ते छोड़ दो, पड़े आए इंसाफ के ठेकेदार। लेरी ओशमा अपेम रहे इसा लगे से बेटे के पैर में तेरा दिमाग खराब हो रहे। अरे सरपंच, यह तो बखत बखत की बात है भाई, मारा दिमाग के और आज तो हमारा मुकद्दर खराब हो गया। सरपंच साहब, मैं शहर तक गांव में अपने देहाती भाइयों की मदद करने खातर आया था, ताकि नौकरी की झूठी भूख और बेरोजगारी दोनों का खात्मा हो। भाई चंदन, तू गांव में क्या करना था? इसका पंचायत से कोई ताल्लुक नहीं, पंचायत का ताल्लुक से सिर्फ मुकदमे की गवाही थे, ते इस बारे में क्यों कहना से? तो बोल। सरपंच साहब, इससे आगे मैंने कुछ नहीं कहना, जो सजा देनी से दे दो, मैं फांसी ताई टूटने तैयार हूँ। अरे ना बेटा ना, अरे गांव राम, अरे निर्दोष बालक ने मत मारो, अरे मत मारो, मत मारो, इतना मत मारो। बाबू इंसाफ आंधा हो से, इसने आंसू नहीं गवाही चाहिए, चाहे वह सच्ची हो चाहे झूठी। पर मैंने दुख तो इस बात का से कि गुंडा के डरते इस गांव में कोई सच्ची कहनी ना से। सुनो, गवाह की तस्दीक से साबित होगी कि रामकली के छोरे की बहू का अगवा चंदन ने एक दूसरे आदमी की मदद से करा था। चंदन ने ना तो उस आदमी का नाम बताया और ना अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सका, इसलिए पंचायत ने यो फैसला करा से कि लहरी और चंदन दोनों ने जात वार करके उनका हक्का पानी बंद और एक रुपया जुर्माना उनका ही 30 दिन की मोहलत दी जा से, तो इस 30 दिन में वह अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो वह पंचायत यो मुकदमा पुलिस में दे देगी। पंचों का फैसला सिर माथे पर, मैं इस जन्मभूमि की माटी की कसम खा के कहूं सू कि मेरे माथे पर लगी कालस न जब तई अरे थोड़े लगता था रगड़ रगड़ का साफ नहीं कर लूंगा, इस गांव में नहीं बढ़ूंगा। बेटे चंदन, बेटे चंदन, बेटे रे बुढ़ापे में की तोड़ के दाल खड़ा तू, रे बूढ़े बाप ने बेटे रे लूट लिया, काम लूट लिया बेटे। Thank you.
लरी की रहा बैठा भाई आ गया लरी मैं सु जगजीत तेने के हाल बना रखे जी यार कौन सरपंच सजा देनी से ना देने सजा देने आठ पांच तूने पहले में काट लिए गर्दन बच्ची से इसने भी काट ली लहरी पागल हो गया कि मैं एकला सरपंच को ना तो तेरे यार भी के कही यार मर गया यार मर गया और रह गया पागल और कंगले का ना कोई यार ना कोई दुश्मन मैं तुम्हें लेना आया सुधर ही मैंने लेना है ले ले अरे तू मैंने लेगा मैं कहूँ सु तू मैंने लेगा अरे मेरे कागजे ने काट के लेगा तू तू मैंने लेगा अरे के ले गया अरे तू फालतू मत बोल मैं न्यू कहूँ सु ले गया ले जा रहा ले जाओ ले जाना रहा ले गया वाला कुछ नहीं दरिया कुछ नहीं दरिया जा जा डिग जाने जा मैं कहूं जो डिगर जाओ सावित्री मन में बेटी को देखते हैं सड़स तुमने रोटी खा गई ये कौन बेटी सावित्री बेटी तू चंदन दोरो मत जाइए तू तू उस टाइम रोटी भी लेके मत जाइए आ आ मत जाइए ना यो जालिम सरपंच बेटी तेरे पा कटवा देगा यो के जोश में तुझसे शादी कर बैठी उसके बाद एक एक करके तेरी काली करतूतों का पर्दा उठता गया यहाँ तक कि तूने भाई बहन के रिश्ते को भी शक की नजर से देखा मैं पत्थर बनी रही क्योंकि शक दूर करने की कोशिश करने पर शक और भी बढ़ता है हिंदू स्त्री हूँ तुझे अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ पर अब तेरी पूजा नहीं कर सकती तेरे साय में मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है इसलिए जा रही हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना जिस दिन बुरी संगत से निकलकर सही रास्ते पे आओगे मुझे अपने साथ पाओगे तुम्हारी कुसुम चली गई और गई की तो गई कौन से बेटी मैंने पीछा नहीं कौन है बैठ जा हाँ बेटी ये बता तू कौन से कितना आई से और के काम से जी मन ने सुना था कि आप गांव में कन्या पाठशाला शुरू करना चाहो सो मैं बीए पास हूँ आपके स्कूल में टीचर लगना चाहूँ सो मास्टर नहीं लगना चाहिए बेटी पर तू तनख्वाह कितनी लेगी जी दो वक्त की रोटी और सर लकोन्ना जगह चाहिए सावित्री ए सावित्री आई पुप्पा हाँ पुप्पा क्या कहता था बेटी तेरी बुआ किस है वहाँ तो मंदिर जा रही सर हाँ बेटी नाम क्या है तेरा जी लाजवंती बेटी यह अपनी कन्या पाठशाला की नई मास्टरनी लाजवंती
और भैया ऐसी मेरी बेटी सावित्री, ये बेटी वाड़े रहेगी, इसने घर ले जा अपनी बुआ से कह के इसका इंतजाम करवा दे। राम राम। हाँ भैया, राम राम। बोलो राजी, वो कड़िया नरेश की जा रहा आज? अरे मन नहीं ना बेरा उसका की जा रहा है, मैं भी सही बात बैठा था। फिर क्या तुम दिन ना दिखे देख रहे रफे, मैंने तेरे कई बका ली चाहे चंदन का नाम मेरा का मत लिया करे। क्यों चंदन को 303 गोली है तो तेरी मैं लेकर जाएगी। विश्वासघाती दोस्त, 303 की गोली से भी फालतू खतरनाक होश है। तू दे के बड़ाके में कपास खा रहा है, और तू न्यू बता कुसुम की से नहीं होगी चंदन के लाकी दे कुए जरम पड़न। तू काम की बात करे ने भाई, मन ना जाना घरा किराया है नहीं, तुमने 10 रुपये दे दे, और जब तुमने कोई काम हो तो वो बता दे, हमारे घर होता है चला जाऊंगा। अरे मन ने के टकसाल ला रखी झाड़ पीछे की, और घर कौन सी तेरी बन्नो बैठी है? अरे तेरी बन्नो तो बैठ देखा करती, तुमने कौन सा राज ली? हम तो वही ओलांडे खा कमा लेंगे। ले ये 10 रुपये ले। अरे काम करिए, हमारे गाँव वाला बिरजू है ना जो अड़ाया था, उसने इन्हों कह दिया जब वो काम हो गया हो तब बेरा कर देगा। रा बिरजू, ओ बिरजू। अरे कौन सा था? अरे भाई मोती, के बात है? अरे यो भाई तना गांव में पूछ डांडा था। बिरजू तू ऐसे? हाँ मैं सुन, के बात है? राज ने तेरे नाम एक संदेशा भेजा है कि सब काम ठीक ठाक हो जाना चाहिए, पैसे की कोई चिंता नहीं करेगा। राज ने कह दिए बिरजू के काम में कोई कमी नहीं पावेगी, पर भाग्य पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, काम की तू जाने पैसे की वो जाने, मन्नत तेरे तक संदेशा देना था वो दिया दे। देख रहा बाट तुम्हारे आली, बाट तुम्हारे आली, तुम्हारे जड़ी कदे मेरा दौरा भी बैठ जाया करे। आजा आजा लतीले। सर मैं तक बापू जी आ रहा है। अच्छा अरीसे सुथरे सुथरे लत्ते पहन रहा है। उन माते गणी सुथरी सड़ांदा वस है क्या? कहीं सड़ांदे रे धणावण कौन सी कुड़ी पे मुंह मार काई से? वो मन्ने न्यू कहता अब मेरी गिल्ला चल तने घंटा घर की मिठाई खाऊंगा। अच्छा इब तेरा के ब्याह से रसीले? हाँ सोचूं सो वो बात तो ठीक के कैसा है? ठीक के कैसा? और मैं तेरे ताई कचरी पील पिंजू छोलिए होले और दके संगरता ही लिया करता, और आज तू उस बाबूजी के घंटा घर पर ही पटगी। तू तो छोटे छोटे पतले पतले संगर लिया करता, उन ते क्यों हुआ था? अच्छा तो तने लाठी जोड़ सांगर चाहिए, मरे तो पहले में क्यों ना बताई? फिर भी रसीले मिठाई का स्वाद तो न्यारा है वैसे, कित सांगर और कित मिठाई। देखिए मेरी संडोरी एक बात सुन ले, शहर की मिठाई पेट में जाया पत्थर फूल जाया करे, और आंख हो जा डूडा सी डूडा सी। हेलो परो आओ सारी मकोड़े पर इस पे मेरा पुराना कब्जा से, और तने बेरा से कब्जा भाल हुआ करे। रे ओ एक घुसे में तेरा कब्जा और कब्जे दोनों तोड़ दो। शेर की सुखी गाजर तू मने आंख दिखा ले। अरे ओ कांकड़ी पहलवान, हाँ या पारो तने भिंक डली ला ली। हाँ इजी इजी शहर में 20 मिलने हैं थोक के बा। 20 मिलने से तू थोक की दुकान छोड़ के अरे परचून की दुकान पे के डोके ले आया थे? बागा बेरा तो पढ़ना है पढ़े। अच्छा पारो फिर मिल लेंगे। टाटा टाटा।
लड़के। नहीं सावित्री, जब तक अपने माथे तक कलंक का टिक्का नहीं मिटा लूंगा, इस गांव में नहीं बढ़ूंगा। तो फिर ठीक से मैंने भी गेला ले चाल। नहीं सावित्री, मैंने तेरे तय एक दिन पहला में कहा था कि तू बड़े घर की छोरी से, तेरा मेरे जैसे गरीब के घर में गुजारा नहीं। अरीब तो वो घर भी ना रहा। नहीं मत क्या चंदन, मैं जीऊंगी तो तेरी गल और मरूंगी तो तेरी गल। नहीं सावित्री, तू जा अपने घर चली जा। बसंती का क्या होगा? बसंती का कुछ भी करे, वह गांव में नहीं पहुंचनी चाहिए, ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं यूं बताऊं, शहराड़ में किसको दया, जिसकी खातिर मैं अपने भूल गया था। बाबू, उसका जिक्र ना करता अच्छा है। अरे मन्नत इस वाला गजरा तुमने छोड़ के भाज गई हो, उससे बाकायदा बैठ रहा था या न्यू रख ली थी। माँ, इस वाला गया मेरे बाबू ने मेरा आड़ा ना कभी पसंद नहीं आया। बात छोड़ के खानदान में मिलना देखा से समझा? आए ना वार को हुई ना ला गया थोड़े ना कोसण, खबर कर सब कुछ बता देगा। तू ही ना सर पर धर के ला दिए जो चल है। कल को एक बच्चे होया अभी काग में ना अंत बनन की सोची। फिर क्या होया रंगी? बस फिर के था, काग में अंत के पाख ला लिए और जापन जानसन के बीच वो सोचा था अक मेरी जात का किसी ने बेरा ही नहीं पाटेगा। फिर क्या आजादी के बेरा पाटे? हेराज दर्जो खाली हाथ खैर जाने नहीं सर। तू पीछे की क्यों चिंता कर रहा है? पीछे में जम मैं कर। देख भाई राज, 150 में तो मैं शहर जाऊंगा नहीं। देख बिरजू, बढ़िया गाड़ी करा मत, तू शहर में आया नहीं जमता से। ठीक से, और तू जाना से इस शहर में बिना पैसे कोई धोरा नहीं खड़ा होने दे। देख बिरजू, थोड़े दिन की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे गाँव में बुला लूंगा। बात तो तेरी ठीक से, पर बसंती भी मोटर के नीचे आके मर गई। सहज सहज बोल, तू तो मरेगा, ये ले मन ने भी मरवाएगा। तो छह पैसे मैं आज चला जाऊंगा। ठीक है, तू आ रहे
मैं पीछे का इंतजाम करके यू आया। माँ थोड़े पीछे की जरूरत थी। तिजोरी की चाबी का बेटा लाजवंत ही दौरा है। उसको ऊपर इतना भरोसा कर लिया, ये तो पहले भरोसा करा ना जाता बेटा, ये तो जीतता जाओ से धोखा खा जाएगी माँ। धोखे पर बेटा तू खाता हंडस है, इससे खातर तक हुआ सर। जब तू तभी छावत्री ताई भी देश कैसे छावत्री दौरा रहा करती, पर जब से ये चंदन गेला ये वक्का सा होया से ना, इसके बेरा में के हो रहा से तन्ना ते बेरा से बेटा उनके दोनों की जाति बचा रही थी। अच्छा होया पहले टंटा कट गया। शर्म नहीं आती इसी बात करते ने, तेरा तो वो यार से यारी का तो गला घोट दिया उसने। जब बता कहूँ सु बावड़े बेटा तने धोखे खान की बाढ़ पड़ रही से। ईब तो पंचायत का सामी भी गुना साबित हो गया। ये तो सब कानूनी दाव पेच से बेटे, जिस तरह बाबू ने पंचा में बैठ कर चंदन तो सजा दी से ना, वो भी जाने से के चंदन निर्दोष से। अच्छा रहा आन दे, उसने बेरा में तेरे से ये घोट का पैर रखा था। एक काम और करिए माँ, जब वो तेरी होम सेक्रेटरी आ जाए ना, तो वो जरा पीछे कटवा के धर लिए कहते खाम खाना फिर आने तक ना हम तो आन दे। बेटी लाजवंती है लाजवंती। अम्मा जी बैठ, राज ने थोड़े से पीछा की जरूरत है, जा तिजोरी खोल कर लिया। कितने मांगा था? बेटी यह बात का मन उस तरह बुझिए को ना। माँ जी पहले अपन तो बुझ तो लियो कितना की जरूरत है। बेटी मन राज बड़े लाड प्यार तो पाड़ा से, मन तो आज ता ही उसके पीछा का कदे हिसाब लिया है कोई ना। आपकी इन ने बात ना राज बिगाड़ दिया। देखो बाजी, जब आपने तिजोरी की चाबी मेरे तीन सौ पीस है, तो मेरा भी इतना हक होना चाहिए अक मैं घर में एक एक पाई का हिसाब रखूं और घर में कोई फिजूल खर्ची नहीं करन दूं। ठीक है बेटी, तू जाना राज जाना, मैं थारे बीच में क्यों पढ़ू। मैं एक बार विद्यार को आऊं सु, राज आवे तो तू उससे पूछ ले। अच्छा मां, ले भाई। भाई बिरजू राम राम। राम राम भाई, नफे आ जा। और कच्चे काट रहे ना? के काट रहा सु भाई, आजकल लोग अपनी जबान तो बहुत फिरन लाग गए। न्यू क्यों करे, थारे हिसाब किताब का सूत ठीक नहीं बैठा। हिसाब की सुन ले भाई नफे, मन्ने अपने सारे काम पूरे कर दिए, पर राज ने इब ताई मेरे पूरे पैसे नहीं दिए। ईसा के काम था बाबूजी? काम के था, उस साले चंदन का बेड़ा गर्क करना था। ये मतलब? मतलब यो, राज ने कहा था कि चंदन ने ईसा बना दो कि सारा काम उस पर थुपके। फिर तुमने के करया? ए लिया भाई ये मोती बैठा, इसके छोर में इससे ते आग लुवा के और चंदन के सिर ला दी। और के करया? और बसंती छुआ गए शहर भिजवा दी। पर वो चंदन का जूता उड़े क्यों कर पाया? जूता? अरे वो तो मैंने पहले खेत में तो चोर लिया था। वाह भाई बिरजू, मान गए तू कमाल का आदमी है, तेरा कोई जवाब नहीं। अरे कमाल के इसे काम मैं इसे हथकंडे तो अपनाने पड़ा करे। ईब के इरादा से? इरादा कैसे? राज मिला था, कह दिया था भाई पैसा का बंदोबस्त कर दिए। हजार है मेरे तो ना मिल लिया। जाके उससे मिल लिए और उससे कह दिए जो मेरे पीछे नहीं मिले ना तो मैं उसका भांडा सारे गांव में फोड़ दूंगा। अरे तो के मारा भांडा फोड़ेगा, हमें तेरा भांडा फोड़ देंगे। के बात से नरेश बसंती थी चना। अरे रे तेरे बसंती ने के खतरा था? टाइगर बसंती ना हमेशा के लिए मिटा दे। रे तेरे इशारे की ढील थी नरेश, नहीं तो उसका काम तो कद्दे का हो गया उनका। टाइगर तने पूरी छूट है, समझ रहा हो? छूट तो मैं तो न दूंगा। चंदन? हाँ हाँ चंदन, तेरे तो बहुत पुराने हिसाब सिखाने से आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा।
मिलेगा, पकड़ेगा इन सबको। नफे तू तन्ने क्यों कर बेरा पाटा? तू इन बातन छोड़, तू तावड़ा सा बसंती लेकर गांव में चले आ जा। तेरे 30 दिन पूरे होने में 1 दिन बाकी है। इंस्पेक्टर साहब राज भी गांव में जा रहा है। चलो मिस्टर चंदन, ले इन सबको। माना तेरे का पीछा ही बात कही थी? हाँ करी थी। क्या खातर चाहिए पैसे? यो मेरे घर का मामला से तू कौन सा पूछ नारी? सारे घर पर कब्जा जमाए बैठी। माँ जी ने घर की ताली मैं सौंप रखी से, बुझूं क्यों ना? अच्छा इस घर में तू बूझ जनाली भी होगी। पहले तू बता तू कौन सा है, मुंह खोले जवाब दे। सती छावत्री मत बने कहीं। सुन तू? हाँ मैं। क्यों देख कर दौड़ा क्यों हो गया? तू अड़केगा ना इसे। क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ, यो घर जितना तेरा से उतना मेरा भी से। मैं जानू तू अड़केगा ना इसे। तू आड़ा इस घर की बहू बने नहीं, अपने यार चंदन से मिलना आई से। राज तेरे जैसा नीच आदमी इसके सिवा और के सोच सके से। पर सुन सैर माता जो तू चाल अड़क चल लड़ा आया था ना, वो मैं पूरी नहीं होने दूंगी। कुसुम छो मैं क्यों आया सर राज? मैं तेरी काली करतूता पर तो पर्दा तार करूंगी और चंदन के मुंह पर पुती काला धोकर छोड़ूंगी। अच्छा तू जहे थे बिरजू ने टोंती अंडे थी? हाँ राज उस विधवा की आहत डर इब्बी बखत से बसंती ने लाकर गांव में सौंप दे। ना रखे हो जाएगा, तेरी कलाई पर हथकड़ी बन जाएगी और खानदान की इज्जत गलियां में बिकती आंडेगी। कुसुम राज सुन ना, आगे बढ़ा। चलो बाप का तार देखे उसके आग नहीं। बाबू तू इसने नहीं पहचानता या कौन सा है? किसने नहीं पहचानता तन्ना? इसने बाबू मेरी बात सुने, यह लाजवंती को ना। अरे तू क्या बताओगा, मैंने सब सुन ली। राज मैंने कदम सपने में उम्मीद नहीं थी कि तू ही साले करेगा। संजीव सरपंच बाहर लिखकर क्या आवाज आ रही है? इंसाफ का हिसाब दे। संजीव सरपंच बाहर लिखकर बाहर लिखकर अरे राज ने भी बाहर काट। आज हमने इंसाफ चाहिए, मने इंसाफ चाहिए। ओ सरपंच आज बहरा क्यों हो गया? जगजीत बाहर आ जा। सरपंच, अरे रोला से इंसाफ का बोलो पंचायत और कर इंसाफ। आज सच्चाई तेरे सामी जिंदा होकर खड़ी से। लेनी जगजीत ने कदे इंसाफ की ताकली में ना पसंद बंद है और ना के बंद है। इस बात का दे बेरा ही पाट जैसे सरपंच के तेरी ताकड़ी में पसंद सैक नहीं। रे लेरी जो कुछ कहना से साफ साफ कह। मन ने के कहना से आज तो जो कुछ कहेगा यो बिरजू कहेगा। बोल रहे बिरजू क्या बात से? ये बताओ सरपंच, पैसा के लोभ में राज के कहर से मैंने पसंद उठाई थी। बिरजू तुमने यो कुक्रम राज के कहर से करा से, इसका तेरे द्वारा क्या सबूत है? बिरजू यो तो देश का लफंगा है, मेरा राज ऐसा कदे काम नहीं करे। ये तो औरा के सखान से मारे घर का नाश करन लाग रहा है। लक्ष्मी जे मैं रख रहा हूं तो तन्ने बीच में मोड़ के दूर से जा भी तो चल जा। जोड़े बिरजू जवाब दे के सबूत से इन सब बातों का तेल हो रहा है, ये लकवा क्यों मार गया तेरी जबान ने? सरपंच उस दिन चंदन तो ही सजा दे दे भगत जो है बिरजू सच्चा मानना था, आज के बाद होगी। लहरी शायद तू भूल गया, उस दिन बिरजू के बयान की तस्दीक करता ही चंदन का जूता मौजूद था। उस जूते के खिलाफ सावित्री ने गवाही दी थी, वह क्यों ना मानी तन्ने? जिस तरह आज मैंने राज की माँ की गवाही नहीं मानी, उस तरह उस दिन सावित्री गवाही नहीं मानी थी। भाइयों इस किस्म के फैसले बिना सबूत के नहीं हुआ करते।
इसलिए फैसला कर दे पहले हमने सबूत चाहिए। खुद बसंती खुद जो इससे रात में इसमें कौन छा ले गया था और यह अलग किसने कही से? सरपंच साहब, नरेश ने अपना अपराध कबूल कर लिया था। बसंती ने राज और बिरजू के खिलाफ गवाही दी है, इसलिए राज ने मेरे हवाले कर दीजिए, ये लीजिए बारन। ठीक से इंस्पेक्टर साहब, मैं राज ले आऊँ से, आप आड़े ठहरो। चंदन मेरे दोस्त, मैंने दूसरे आगे बहकाव में आकर तेरे ऊपर बहुत जुल्म करे थे, उस कहते मैंने माफ कर दी। नहीं राज, माफी तने मेरे तो नहीं, कुसुम तो मांगनी चाहिए। नहीं राज, आगे कहने की कोई जरूरत नहीं, तन्ने अपनी गलती मान ली, इस तब बढ़कर मन और क्या चाहिए। जा जा, मैं तेरी बात देखूंगी। काका काका काका, उस कह रहे तू भी मैंने माफ कर दिया। हरी दोस्ती का किसी की नजर ना लग गए, और देखे भगवान की दया तो सारा काम ठीक हो गया, और मन्ना तो देखे इस पत्र भूल। भले रे। हाँ भाई। एक दिन तूने भरे सावित्री गाँस मांगी ना, तो आज मैं तेरे भरत चंदन में मांगू। भाई जगजीत, देखे चंदन तो उस दिन भी तेरा ही था और आज भी तेरा ही था। अरे कड़वा महीने पर कर दिया की तैयारी। अरे चंदन था ही तो आ जाना चाहिए था भाई, राज की जमानत कराऊंगे। ये बात हुई वारे लाजी तुम ले, मैं याद करते हैं वहां लिए रो बड़ी उम्र बेटे जीता रहे भाई। राम 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 राम। टकियो टकियो टकियो, मारी भी सुनियो। अरे मोगरे वाले, आज वो अपनी मोगरी कित के आया। मोगरी नहीं लागती मेरी साड़ी, और उन्हें तो मैं जमना जी में बवाया आया। आऊ छह महीने हो लिए, इस कांगड़े ने मेरी गोज मांगड़ाई लेते। इसकी गोजट खुलवा देने, मेरा हाथ पारो के हाथ में दे देने। क्यों पारो ये रहता से फिर सिले। हाँ तेरी पकड़। अच्छा तेरा भी संता से गले बांध दूंगा। ठीक गैल की गैल भाइयों, रसीले का सब ब्याह नए लगते क्षमा के जने ताई होलो तैयार, गलास रुपया मिले मिले।